અને હવે વાત કરવી છે દેશભરમાં જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે જેના કારણે પૂર આવી રહ્યા છે અને ગુજરાતમાં પણ આ સ્થિતિનું નિર્માણ થવા જવાનું છે। દિલ્હીમાં યમુનાનું જળસ્તર ધીરે ધીરે ઘટી તો રહ્યું છે પરંતુ હજુ પણ નદી ખતરાના નિશાનથી ઉપર છે અને એટલા જ માટે દિલ્હીના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં તો હજુ પણ પાણી ભરાયેલા છે। અનેક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં હજુ પણ પૂરની સ્થિતિ યથાવત છે। दिल्ली सरकार एनडीआरएफ सहित पुलिस प्रशासन दिल्ली में स्थिति सामान्य बनावानो प्रयास करी रहा छे। लाल किल्लो आईटीओ सुप्रीम कोर्ट निगम बोध घाट सहित तमाम स्थलों मात्र पानी छे। दिल्ली माटे पड़कारो पण ओछा नथी। हवामान विभागे समग्र सप्ताह दरमियान दिल्ली में वरसादनी संभावना व्यक्त करी छे। जो कि नदीनु जलस्तर हजु पण खतराना निशानथी ऊपर छे। 16 જુલાઈએ સવારે 6 વાગે યમુનાનું જળસ્તર 206.14 મીટર માપવામાં આવ્યું હતું। છેલ્લા 5 દિવસથી દિલ્હી પૂરની ઝપેટમાં છે। દિલ્હીના અનેક રસ્તાઓ તળાવ બની ગયા છે। લાલ કિલ્લાથી રાજઘાટ સુધી માત્ર પાણી છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં મકાનો ડૂબી જવાથી અનેક પરિવારો બેઘર બન્યા છે। જ્યાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી જતા લોકોને બચાવ કામગીરી દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા। તેજ સમય એવા ઘણા વિસ્તારો છે જ્યાં લોકો તેમના ઘરોમાં ફસાયેલા છે। આ લોકોની મુલાકાત લેવા સીએમ કેજરીવાલ પહોંચ્યા હતા। हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाजार जो जहाँ पे पानी घुस गया वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से ये बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था। वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के, उसके लिए बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। 6 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं जहां पे रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। उनकी जिम्मेदारी एक एक मंत्री महोदय को दे दी गई ताकि जो भी वहां पे रिलीफ के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, रिलीफ के जो कैंप्स हैं, उनके अंदर सब कुछ ठीक रहे। वहाँ पर बिजली, पानी, मेडिकल, फूड, रहने की व्यवस्था जो है रहे, ये सुनिश्चित करना जो है, और ऑफिसर्स के साथ सबको जो है कोऑर्डिनेट करना, ये उनका काम रहेगा। इसमें साउथ ईस्ट में कैलाश गहलोत जी देखेंगे, ईस्ट दिल्ली में मैं देखूंगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आतिशी देखेंगी, नॉर्थ दिल्ली में राजकुमार जी देखेंगे, सेंट्रल दिल्ली में इमरान जी देखेंगे और शाहदरा में गोपाल राय जी देखेंगे। जी सर, अभी कई इलाकों में पानी और बिजली की भी समस्या देखी जा रही है, उसका क्या स्टेटस है अभी? उसके लिए भी ये सब जो मंत्रीगण हैं ये वहाँ के डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के विस्तारों में आगामी 5 दिवस वरसाद की संभावना है। दिल्ली ना घना विस्तारों में यमुना नु पानी भराई गयु छे। आवी स्थिति में वरसाद बाद स्थिति वधु वणसी शके छे। आगामी 5 दिवस सुधी दिल्ली, हरियाणा और आसपास का विस्तारों में वरसाद की संभावना छे। छेल्ला दिवसे एटले के 15 जुलाईए दिल्ली एनसीआर में भारे वरसाद जोवा मळ्यो हतो। દિલ્હીના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ બાદ ડ્રેનેજ લઈને એક પડકાર હતો। હવામાન વિશે વાત કરીએ તો 16-21 જુલાઈ સુધી રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે। જો કે હજુ પણ યમુનાનું આ જળસ્તર 205.33ના ખતરાના નિશાનથી ઉપર છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ। तो बीजी बाजु उत्तराखंड मोटा भागना विस्तारों में आज भारी वरसाद की आगाही रही थी। देहरादून, टिहरी, पौरी, गढ़वाल, हरिद्वार में भारी वरसाद वरस्यो हतो। नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर में भारी वरसाद रह्यो हतो।